हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल टीटूज क्लास। आज हम स्पोकन इंग्लिश की बहुत ही मज़ेदार टॉपिक देखेंगे जो कि LKG UKG ग्रेड 1 to 5 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब मुझे ध्यान से सुनो, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ कच्चा पापड़ पक्का पापड़, समझ में आया? अब तो समझ गए होंगे आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है टंग ट्विस्टर्स। हाँ, पर हिंदी में नहीं, इंग्लिश के टंग ट्विस्टर्स। सो व्हाट आर दिस टंग ट्विस्टर्स? फ्रेजेस हैविंग सिमिलियर साउंडिंग वर्ड्स इन अ रिपीटेटिव सीक्वेंस। मतलब ऐसे मुहावरे जिसमें एक जैसे शब्द बार बार आते हैं या जिनका उच्चारण करने से हमारी जीभ घूमती है या फिर जिसका सही या स्पष्ट उच्चारण करना मुश्किल हो जाता है, इसीलिए तो इसे खेलने में बड़ा मजा आता है। अब हम जानते हैं इसके इम्पोर्टेंस। इम्प्रूव फ्लुएंसी, ये फ्लुएंसी को इम्प्रूव करता है क्योंकि हम बहुत स्पीड में बोलना सीखते हैं। क्लियर प्रोनंसिएशन, सही सही उच्चारण नहीं करने की वजह से हम कोशिश करते हैं कि सही उच्चारण करें। लैंग्वेज डेवलपमेंट, इंग्लिश लैंग्वेज की डेवलपमेंट होती है। बूस्ट वोकैबुलरी, नए नए शब्द सीखते हैं। मैंने इसके पहले भी कुछ वीडियो स्पोकन इंग्लिश ओरल क्वेश्चंस की डाली है जिससे बच्चों की इंग्लिश बहुत बेटर बन सके, तो उसे आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज मैं इंग्लिश के कुछ कॉमन टंग ट्विस्टर्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं और उन्हें ग्रुप में खेलने के लिए भी कह सकते हैं जिससे कि वो इसका मज़ा ले सके और प्रोनंसिएशन भी इम्प्रूव कर सके। How much wood would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? इसका मीनिंग पहले मैं आपको समझा देती हूँ हिंदी में। How much wood? कितना wood? Would a woodchuck? Woodchuck एक गिलहरी जैसा एक एनिमल होता है, उसे woodchuck कहते हैं। वो चक करता है, मतलब तोड़ करके फेंकता है। If अगर woodchuck, अगर कोई woodchuck could chuck wood, wood को तोड़ करके फेंक रहा होता तो इस स्पीड में कैसे बोलेंगे? हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। हाउ मच वुड वुड अ वुड चक चक इफ अ वुड चक कुड चक वुड। आप भी बोल के देखो। हमारा नेक्स्ट टंग ट्विस्टर है, पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। हाउ मेनी पिकल्ड पेपर्स डिड पीटर पाइपर पिक? पीटर पाइपर एक बर्ड को कह रहे हैं जिसका नाम, पाइपर एक बर्ड होता है जैसे, उसका नाम पीटर रखा है। तो पिक्ड पकड़ा है, अ पैक ऑफ, पैक मतलब चोट से किसी चीज़ को पकड़ना को हम पैक कहते हैं, पैक करना कहते हैं। पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, पिकल्ड पेपर्स मतलब अचार में डाला हुआ काली मिर्च। हाउ मैनी पिकल्ड पेपर्स, कितने सारे अचारी काली मिर्च डिड पीटर पाइपर पिक? पीटर पाइपर ने पिक किया। मैं इसे स्पीड में बोलती हूँ, आप भी कोशिश कीजिएगा। पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, हाउ मेनी पिकल्ड पेपर्स डिड पीटर पाइपर पिक? पीटर पाइपर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स, हाउ मेनी पिकल्ड पेपर्स डिड पीटर पाइपर पिक? मतलब मेरी प्रोनंसिएशन अच्छी है। नेक्स्ट टंग ट्विस्टर, शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर। मतलब शी एक लड़की सेल बेचती है, सी शेल्स मतलब वो शंख सीपी होते हैं ना, वो जो कि समुद्र में मिलते हैं, बाय द सी शोर समुद्र के किनारे में बेचती है। ये थोड़ा छोटा है, इसे ट्राई करो। शी सेल्स बाय द सी शोर। सी इसमें मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है, आप ट्राई करो। अब तब तक नेक्स्ट देखते हैं। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। मैं चिल्लाता हूँ या चीखता हूँ, तुम भी चीखो, तुम चीखो, हम सब चीखे। किसके लिए चीखे? आइसक्रीम के लिए चीखे। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। आइसक्रीम यू स्क्रीम वी ऑल स्क्रीम फॉर आइसक्रीम। नेक्स्ट, आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। मैंने एक बिल्ली के बच्चे को देखा कि वो चिकन खा रही थी किचन। आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। आई सॉ अ किटन ईटिंग चिकन इन द किचन। सो दिस इज ईजी, यू कैन ट्राई इट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।